जब दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए पॉसिबल हो गया तो चंडीगढ़ की 10 लाख जनता के लिए पॉसिबल क्यों नहीं हो गया? ये पानी आज की डेट में लग्जरी नहीं है। पानी नहाने के लिए क्या प्रोसीजर जाएगा? आप टैंकर माफिया जैसे चलता है। चंडीगढ़ में 2.5 लाख के करीब कनेक्शन है पानी के, अभी भी इसमें 2/3 कनेक्शन बिना मीटर के। 45% पानी इस वक्त चंडीगढ़ में वेस्ट किया। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ के इलेक्शंस अब नजदीक हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, और इस बार हालांकि पिछली बार भी आम आदमी पार्टी मैदान में थी, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ज्यादा गंभीरता के साथ पार्टी मैदान में है। और निश्चित तौर पर चंडीगढ़ में इस बार मुकाबला जो है वो ट्रायंगुलर रहने वाला है। तो इस समय मेरे साथ मौजूद हैं प्रेम गर्ग, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और हाल ही में पार्टी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ऐलान किया गया कि चंडीगढ़ की जनता को 20,000 लीटर तक पानी हर महीने वो मुफ्त दिया जाएगा। जिस तरह से दिल्ली में इस तरह की ऐलान पार्टी करती रही है, तो ऐसा ही ऐलान यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले तो इसी विषय में आपसे एक ऐसा पूछना चाहेंगे कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा चंडीगढ़ में? जब दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए पॉसिबल हो गया तो चंडीगढ़ की 10 लाख जनता के लिए पॉसिबल क्यों नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके मन में नीति और नियत होनी चाहिए जी। आपकी नीति क्लियर होनी चाहिए, आपके पास नियत होनी चाहिए, तो सब कुछ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भी नहीं हो सकता। थोड़ा एलाबोरेट करिए कि किस तरह से, क्योंकि चंडीगढ़ ऐसा है, चंडीगढ़ में जो है, जो हमारे एज पर इन्फॉर्मेशन जो है, 45% पानी इस वक्त चंडीगढ़ में वेस्ट जाता है, जिसको हम लीकेज बोल सकते हैं, इलीगल कनेक्शन बोल सकते हैं, या मिसमैनेजमेंट बोल सकते हैं। अगर हम आज 45% वही पानी को कंट्रोल कर लें जैसे दिल्ली में हमने कर लिया, तो आप देखो लोगों को पानी तो मिल ही रहा है जी। तो 24/7 वाली जो बात है, वो लोग टैंकियों में अपने भर लेते हैं, ठीक है ना जी। अगर आपको 24 घंटे वैसे मिलता तो टैंकी में नहीं भरेंगे, पानी की रिक्वायरमेंट सबकी पूरी हो ही रही है ना। ऐसा तो नहीं है कि पानी की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही जी। सिर्फ उसको 24/7 करने के लिए आपको जो ये लीकेज है, लीकेज होगा, क्योंकि आज अगर 2 घंटे के लिए आप पानी दो, 2 घंटे में लीकेज आपकी होती है, सिर्फ 10 लीटर हुई, तो अगर 24 घंटे दोगे तो 10 का जगह 120 लीटर लीकेज होगी। प्रॉब्लम ये है, अगर आप लीकेज रोकते हो, और दूसरा जो इलीगल कनेक्शन है उनको या तो रेगुलराइज करो ताकि उसके आपको पेमेंट आए। अब ये हजारों कनेक्शन जो है, जैसे किशनगढ़ है और है वहां पे, बल्कि पॉलिटिकल लीडर अपना टैंकर माफिया जैसे चलता है, टैंकर माफिया के थ्रू या इलीगल कनेक्शन के थ्रू लोग पानी ले रहे हैं, वही अगर मीटरिंग हो जाए जी, तो उससे क्या है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाए। तो इसी चीज पे हम ये कहते हैं, जो पैसा लग रहा है उसी पैसे में, हम उतने ही पैसे में अगर हम फ्री पानी दे सकते हैं तो उसमें तो कोई नुकसान नहीं ना, क्योंकि तो मीटरिंग ज्यादा हो जाएगी। अगर आपका 50% या 45% पानी वेस्ट जा रहा है, वो रेगुलराइज हो जाए तो इनकम तो बढ़ेगी ना। तो उसमें से अगर हमने 20 किलोलीटर पानी एक महीने का एक हर परिवार को फ्री भी दे दिया, उससे कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू को लॉस नहीं होगा, लेकिन लोगों को एक सहूलियत मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप जैसे कोविड आया पीछे, या किसी लेबर क्लास है कोई है, उसके घर में पानी है, उसके वो बिल नहीं दे सकता, तो आप कनेक्शन काट दोगे ना, कनेक्टर वो पानी नहाने के लिए क्या पड़ोसी के घर जाएगा? आप बताओ, पानी और बिजली एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको एक लट्टू और बल्ब, ये पंखा, ये तो होनी चाहिए ना। ऐसे आपको नहाने के लिए, धोने के लिए तो पानी होना चाहिए, 100 लीटर पर डे या 150 लीटर पर डे एक बंदा की जो रिक्वायरमेंट हो तो होनी चाहिए। तो वो हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो, उसके लिए आपको टेंशन ना हो, वो आपको फ्री मिले। हाँ, उसके बाद आपने गार्डन को पानी देना, कारों को धोने के लिए पानी, उसके आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। नहीं, आपकी इंटेंशंस को लेकर तो कोई सवाल नहीं, निश्चित तौर पर आपकी इंटेंशंस अच्छी हैं, आप चाहते हैं कि गरीबों तक भी पानी पहुंचे, कोई दिक्कत ना आए, लेकिन हर चीज की कॉस्ट का एक फैक्टर रहता है। जैसे कि आपने कहा कि एक्स्ट्रा मीटरिंग से पैसा बढ़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद है और जिसको 24/7 करने के लिए जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि फ्रांस की एक कंपनी से जो 400 करोड़ रुपए का लोन लेने की बात हुई थी, तो ये जो खर्चा होगा इसको वो आपको नहीं लगता कि लोगों से? आम आदमी पार्टी इस चीज में विश्वास नहीं रखती कि लोगों के ऊपर लॉन्ग टर्म लेबिलिटी जो है बढ़ाई जाए। अब उसका जो फ्रांस की कंपनी का है वो 2022 से शायद या 2027 से शुरू होगा, और 15 साल के लिए उसके बाद पेमेंट होगी। अब उस वक्त डॉलर का क्या रेट होगा, कितने लोगों को कल को 100 रुपए डॉलर का रेट हो जाता तो उसकी कितनी ज्यादा लाइबिलिटी हर एक इंसान पे पड़ेगी। तो वो हम उस चीज को नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी नहीं होती, सिर्फ जैसे मैंने बताया नियत की कमी होती है। उस आज 5,000 करोड़ का चंडीगढ़ का बजट है,
तो इसका अगर 10 लाख है या 10.5 लाख की पॉपुलेशन, हरेक बच्चे से लेकर बूढ़े तक 50,000 रुपए पर पर्सन मिलना चाहिए उसको बेनिफिट, तो क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा ना। तो क्योंकि उस 5,000 करोड़ में अगर 1,000 करोड़ भी वेस्ट जा रहा है या करप्शन में जा रहा है, तो 1,000 करोड़ का अगर आप सदुपयोग लगा दोगे तो पानी बिजली सब कुछ फ्री हो जाएगा। अब अगर हम इसके पॉलिटिकल बेनिफिट की अगर बात करें, तो दिल्ली में और चंडीगढ़ में हालात थोड़े से अलग है। दिल्ली में निश्चित तौर पर पानी की जो आपूर्ति थी एक बहुत बड़ा इशू था, लेकिन चंडीगढ़ में क्या है कि वाटर सप्लाई कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लोग इतने त्रस्त या इतने परेशान नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपको फायदा मिलेगा पॉलिटिकली? पानी का इशू ऐसे पानी का इशू, पानी का जो आपने देखो 3 गुना रेट बढ़ गए। आज छोटे छोटे परिवार को 1,000 रुपए का शायद पानी का बिल आ रहा है। आप अपना बिल देख लो, पंचकुला मेरा 14 मरले का घर है, मेरे को लगता है 140 या 150 रुपए का बिल आता होगा पानी का। यहाँ पे आपको छोटे छोटे घर को अगर 1,000 रुपए आ रहा है, और एक गरीब परिवार को अगर 1,000 रुपए जिसकी तनख्वाह सारी इनकम 10 या 12 हजार, जैसे एमसी कितना इनको जो डीसी रेट पे या जो कॉन्ट्रैक्टर के एम्प्लॉय उनको क्या देती है, 10 या 12 हजार रुपए देती है। उस 12 हजार में अगर उसका 1,000 रुपए पानी पे 2,000 रुपए बिजली पे लग रहा है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो वो अगर 1,000 रुपए भी हम बचा देते हैं उसका, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। आपके लिए मेरे लिए 1,000 रुपए बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक गरीब इंसान के लिए जो लेबर का काम करता है या डेली वेजेज का काम करता है या रेडी फड़ी लगाता है, उसके लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। और हमने अगर 1,000 रुपए को उसका बिजली का बिल बचा दिया, तो उससे कोई मगर रेवेन्यू को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसके परिवार को जो खुशी मिलेगी वो बहुत बड़ी बात है। चलिए खैर, ये तो मसला हुआ। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है चंडीगढ़ में, पिछली बार भी आपने इलेक्शन लड़ा था लेकिन बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन 5 साल में निश्चित तौर पर हालात बड़े बदल गए, इस बार आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड करेगी? हमने लास्ट टाइम इलेक्शन एमसी का नहीं लड़ा, और ये क्योंकि उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा संगठन भी नहीं था, पार्टी नई नई बनी थी। अब पार्टी के इस बार पिछले 25 दिन में हमने 1 लाख वोटरों को जोड़ा पार्टी के साथ जी, इट इज रिकॉर्डेड। तो 1 लाख वोटरों को जोड़ने का मतलब कितने परिवार जुड़ गए। तो अब जो है पार्टी का संगठन भी बहुत मजबूत है, और पार्टी के पास एक दिशा और दशा दोनों है। अब हम पार्टी के 35 की 35 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, और हमें उम्मीद है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सीटों पे या तो जीतेंगे, या जहां पे कहीं पे थोड़ा जीतने का नहीं भी होगा तो इतना अच्छा प्रदर्शन होगा कि सब लोग देखेंगे हम आम आदमी पार्टी का एक इस वक्त चंडीगढ़ में बहुत अच्छा, यानी कि आप एक बड़ा फोर्स बन के उभरने वाले हैं यहां पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातें होती रहेंगी। अब चुनावी मौसम है और आने वाले समय में भी हम आपसे बात करते हैं। तो ये थे प्रेम गर्ग, जिनका कहना है कि चंडीगढ़ को 20,000 लीटर पानी जो हर परिवार को हर कनेक्शन के साथ देना जो है वो एकदम से वायबल है, आसानी से दिया जा सकता है। नीति और नियत दोनों की आवश्यकता रहती है, और आम आदमी पार्टी के पास ये दोनों मौजूद हैं। उम्मीद करते हैं कि आम आदमी पार्टी जीतती है तो अपना वादा पूरा करेगी। तो ये देखा आपने कि किस तरह से प्रेम गर्ग का कहना है कि 20,000 लीटर प्रति महीना पानी चंडीगढ़ वासियों को मुफ्त देना बिल्कुल पॉसिबल है, वो कर सकते हैं, और अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स के साथ बात करें तो उनका कहना है कि ये निश्चित तौर पर लग्जरी होगी, इतना पानी नहीं दिया जाना चाहिए। पानी आज की डेट में लग्जरी है, इसके ऊपर खर्चा आता है। हाँ, ये भी ज़रूरी है कि लोगों को, जो गरीब जनता है, उनको पानी का बिल ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने बातचीत की विनोद विशिष्ट के साथ, जो कि सी फॉरवो के कन्वीनर हैं, और सी फॉरवो के बारे में हम बता दें कि ये फेडरेशन है चंडीगढ़ के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की। और इसके अलावा विनोद विशिष्ट जो हैं वो एक इंजीनियर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उनका कहना है कि अगर 10,000 लीटर तक पानी दिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। चंडीगढ़ की पानी की स्थिति को लेकर हमने उनके साथ विस्तार से बातचीत की, आइए देखते हैं उनके साथ ये बातचीत। आम आदमी पार्टी ने इस बार फैसला किया है कि वो चंडीगढ़ की जनता को 20,000 लीटर पानी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। तो ये कितना आपको वायबल लग रहा है और कितना सही लग रहा है ये उनका जो वादा है, और क्या ये वादा पूरा हो सकता है? देखो, जो चंडीगढ़ में आम पानी डोमेस्टिक वाटर की कंजम्पशन है, नेशनल मापदंड है, जो शहर 10 लाख की आबादी से कम है उनके लिए 135 लीटर पर डे है, जो शहर 10 लाख की आबादी से ऊपर है जिसमें चंडीगढ़ अब आता है
उसके लिए जिम में आपदान 150 लीटर से लेकर 200 लीटर तक प्रतिदिन है। चंडीगढ़ में एवरेज कंजम्पशन 252 लीटर के करीब है, जो कि नेशनल स्टैंडर्ड्स चाहे 10 लाख की आबादी से कम वाला है या उससे ज़्यादा वाले, दोनों से ही ज़्यादा है। इसके कुछ कई कारण हैं। मुख्य दो कारण इसमें ये है, एक तो जहाँ पे जो वाटर नॉन रेवेन्यू लॉसेस जिसको कहते हैं वाटर के, कि पानी की लीकेज काफ़ी ज़्यादा है, इवन 25% से ज़्यादा है, 25% से। दूसरा, जिस चंडीगढ़ पूरे देश में अपनी ग्रीन कवर के लिए जाना चाहता है, तो इसका ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी की इरीगेशन, वाटर की इरीगेशन भी होती है, और वो पानी, वही पानी से ज़्यादातर इरीगेशन हो रही है जो पीने योग्य पानी है, तो एक ये कारण है। तो जहाँ तक आपने कहा कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि 20,000 लीटर प्रति माह लोगों को प्रति हाउस होल्ड को फ्री करेंगे, ऐसा नहीं है, ये पॉसिबल तो है, पर मुझे लगता है 20,000 लीटर तो ज़्यादा है, क्योंकि हमें ये पानी आज की डेट में लग्जरी नहीं है, इसको हमें रिसोर्स को पूरा प्रिजर्व करना है। मेरे हिसाब से 10,000 लीटर हो सकता है, बड़ी आसानी से किया जा सकता है, पर वो भी उन्हीं लोगों को करना चाहिए जिनके घर में फंक्शनल पानी का मीटर है और जिन्होंने रेगुलर पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। चंडीगढ़ में 2.5 लाख के करीब कनेक्शन है पानी के, अभी भी इसमें 2/3 कनेक्शन बिना मीटर के हैं, अनमीटर्ड हैं, इलीगल हैं, अनऑथोराइज हैं, तो उनको रेगुलर किया जाए जिससे अपनी कॉरपोरेशन का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, और वही रेवेन्यू आप जो लोग ला वाइडिंग है पूरा पानी के मीटर लिए हुए, रेगुलर लिए हुए हैं, चाहे वो पानी को उनको मजबूरी है क्योंकि अभी पानी रिसाइकल नहीं पूरी हो पा रहा चंडीगढ़ में। एक वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का ये भी कहना है कि पानी को पूरा रिसाइकल करो और जो टर्शरी वाटर उससे निकल के आता है उसको आप अपनी ग्रीन कवर के लिए यूज़ करो, वो नहीं हो रहा है। और एक कारण और है, ये अपनी ऑटोमेशन करें। अभी पानी का जो खर्चा है कॉरपोरेशन का पानी के लिए आता है, डायरेक्ट खर्चा पानी को सप्लाई करने के लिए, उसमें 40% तो आता है बिजली का बिल में चला जाता है कॉरपोरेशन का, क्योंकि बहुत सारे 200 के करीब ट्यूबवेल लगे हुए हैं चंडीगढ़ जी, अपार्ट फ्रॉम जो कजौली से पानी आता है, और 40% पानी लोगों की पे देने में लग जाता है, तो इतना हेड और जो डायरेक्ट ओवरहेड है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये ऑटोमेशन ले आएँ तो वो ओवरहेड भी कम किए जा सकते हैं। तीसरा मैं कहूँगा कि एक जहाँ पे चंडीगढ़ में अभी भी हर घर में आरओ सिस्टम है, आरओ सिस्टम ऐसी चीज़ है जिसमें पानी तो आप साफ पीते हैं, पर उसमें अगर 1 लीटर पानी लेके आ रहे हो, कम से कम मेरे हिसाब से 20 लीटर पानी जाए भी चला जाता है, क्योंकि वो ऐसा प्रोसेस है जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, उन्होंने सुप्रीम पूरा कहा है कि आरओ सिस्टम को बंद किया जाना चाहिए, इसके लिए अल्टरनेटिव मीडियम लेके आए। तो चंडीगढ़ को भी चाहिए कि वाटर एफिशिएंट होम्स को इनक्रेज करें, जिससे इसका भी निवारण होगा। और यही कुछ सुझाव हैं। जहां तक आपका मुझे 10,000 लीटर पानी देना कोई बड़ी बात नहीं है, दिया जा सकता है, उससे कोई फाइनेंशियल बर्डन जो एक्स्ट्रा आपको लगता है कि नहीं पड़ेगा? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, पर 20,000 नहीं होना चाहिए, 10,000। अभी आपने कहा एक और बात है कि 24/7 की योजना भी है इनकी, हम 24/7 करेंगे, तो वो आपको लगता है कि वो होना चाहिए या जो अभी प्रेजेंट सिस्टम है वही ठीक है? देखो, चंडीगढ़ में जो तो अफ्लुएंट लोग हैं जिनकी थोड़ी इनकम ठीक है, उनके घर में तो अभी भी 24/7 पानी है, चाहे वो उनके ओवरहेड टैंक में स्टोर्ड वाटर से आता है, किसी की किचन में चले जाओ आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। पर जो लोग स्टोरेज पानी की स्टोरेज आप नहीं कर सकते अफोर्ड, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनका घर ही बड़ा छोटा है, टैंक कहाँ रखें, वो तो पानी का हमेशा इंतजार करते हैं। तो मेरा मानना है 24 घंटे पानी तो जरूर होना चाहिए, किसी टाइम 3 टाइम आता था, अब तो 2 टाइम ही आ रहा है। तो गरीब लोगों को जिनके पास बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है, उनको तो पानी चाहिए होता है हर वक्त। तो उसके लिए आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में काफी इन्वेस्टमेंट होगा, तो वो एक एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा? वो चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी इस लाइन पे ऑलरेडी काम कर रही है, उन्होंने मनी माजरा में ऑलरेडी एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है जो कि 24/7 पानी सप्लाई करेगा। इसके लिए वो फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ मिलजुल के काम कर रही हैं, कुछ फ्रेंच गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन भी दिया है इनको, जो कि आने वाले 15 साल में वापस करना होगा, कुछ 7-8 सालों के बाद शुरू होगा वो, तो काम चल रहा है। पर लोन की जगह मेरा मानना था सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो ये थी हमारी खास पेशकश आम आदमी पार्टी के वायदे को लेकर।
पानी 20,000 लीटर चंडीगढ़ को मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुफ्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये मुद्दा निश्चित तौर पर हम सबके सामने है और इसी तरह के कुछ और मुद्दों के साथ हम अब आने वाले समय में आपके साथ बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।